ओके, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको पढ़ सुन के इसके बाद हम वेबसाइट कॉस्ट शुरू करने लगे हैं। दो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक हार्डवेयर है, एक इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और एक आपने गेम का सॉफ्टवेयर वैसे को खरीदा गेम खेलने के लिए। ये चलें एडोब कर लें। डी का मुंह किधर होता है, इधर होता है उधर होता है? अच्छा, 70,000 आपने इसके पे किए, 10,000 आपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के पे किए। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से क्या मुराद होगा? विंडोज। कौन सी आ रही है आजकल? विंडोज 11। प्रो मैक्स तो नहीं। जी, क्या हार्डवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है? विंडोज के बगैर नहीं। क्या हार्डवेयर एडोब सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है? क्या सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर चल सकता है? बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर, मेरे भाई मैं कह रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर वर्ड और एक्सेल है, क्या वर्ड और एक्सेल अगर इंस्टॉल ना करें हम और खाली हमने वेब सर्फिंग करनी हो, यानी इंटरनेट की वेबसाइट्स खोल के कोई काम करना हो, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर गुजारा चल सकता है? चल सकता है। क्लियर? तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब मुझे बता दें कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है। अब जनरल एंट्रीज होंगी, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। किसको किस में डाल दिया? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक इनटेंजिबल है, उसको टेंजिबल की कॉस्ट में डाल दिया। क्यों? सोचें क्या वजह होगी। ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है मेरा, क्या वजह होगी। तो जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी हुआ करेगा और उसके बगैर हार्डवेयर, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी इसके बगैर ऑपरेट ही नहीं कर सकता हार्डवेयर। इस सॉफ्टवेयर को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। जैसे सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंड्रॉइड, ठीक है। इसी तरह आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है, मिसाल के लिए एप्पल में तो नहीं है एंड्रॉइड, अच्छा और कोई भी आपके पास मोबाइल है किसी कंपनी का, उसमें एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, तो वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसके बगैर तो चल नहीं सकता। और बाद में कहीं आपने कोई गेम खरीदनी हो तो कई दफा प्राइस लिखी हुई आती है, तो वो गेम चलाए बगैर भी वो हार्डवेयर चल सकता है। तो बता दें कौन से, आज बहुत बड़ा धमाका किया हमने, कौन से इनटेंजिबल को टेंजिबल में डाल देंगे? जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो, यानी जिसके बगैर हार्डवेयर चल ना सके। वो 3,000 की एंट्री बता दें, इनटेंजिबल एक्सपेंस नहीं है, डोब सॉफ्टवेयर है, इसकी लाइफ होगी। इनटेंजिबल ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट। तो किसने अपनी हालत बरकरार रखी और कौन अपनी हालत लूज कर गया? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जम हो गया, मर्ज हो गया हार्डवेयर में, और दूसरा सॉफ्टवेयर अपनी जगह कायम रहा। सर फिर डिस्क वगैरह जैसे होते हैं, फिर उनको भी कहना चाहिए ऐसा है तो। अगर आपने कोई सीडी ली है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और वो हार्डवेयर के साथ मिली है, तो डिस्क के तो पैसे नहीं है, वो तो फिर सॉफ्टवेयर के ही आपने 10,000 रुपए दिए, उसी डिस्क की आपने 10,000 रुपए दिए, इन दोनों को कैपिटलाइज करेंगे अंडर आईएस 16। तो इन दोनों पे आईएस 16 लगेगा। इसमें है, मैं मान रहा हूं सॉफ्टवेयर, लेकिन मजबूरन बड़ी चीज असल में हार्डवेयर है, इसकी वजह से छोटी चीज अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर गई। और इसके ऊपर क्या लगेगा? आईएस 38। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी तो बेकार है, लेकिन मेन प्राइस तो हार्डवेयर की होती है ना। हाँ जी,
नहीं एक एक हाँ हाँ और डेप्रिसिएशन भी फिर 80,000 के ऊपर ही होगी, उसमें कोई अलग अलग नहीं करने की जरूरत। नहीं नहीं प्राइसेस के मुताबिक नहीं, हमेशा बस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का पार्ट बनेगा। अच्छा जी आगे दूसरा कॉन्सेप्ट आज का, आई बॉट पार्शली डेवलप्ड R&D डेटा, ₹100 मैंने R&D डेटा बाय किया, पार्शली डेवलप्ड R&D डेटा। क्या मतलब? केक्स एंड बेक्स वाले रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे थे कि हम जो है वो करेला पिज्जा बनाएं। तो करेला पिज्जा बनाते बनाते उन्होंने सोचा कि नहीं भाई ये करेला पिज्जे का फॉर्मूला हमारा नहीं सक्सेसफुल, हम इसको खत्म कर रहे हैं। गुरमे वालों ने कहा ये जितना काम हुआ है हमें बेच दो, उन्होंने कहा खरीद लो। तो हमने रिसर्च उनकी 60 की खरीदी, उनकी डेवलपमेंट 40 की खरीदी। वो उनके लिए डेवलपमेंट अच्छी थी बुरी थी ये मैं बहस नहीं कर रहा, हमने 60 की रिसर्च उनकी खरीद ली और उनकी डेवलपमेंट 40 में खरीद ली, यानी 100 रुपए हमने पे कर दिए। तो मोहतरम ये 100 रुपए पूरे कैपिटलाइज होंगे। आज हम रिसर्च को कैपिटलाइज कर रहे हैं क्योंकि परचेज्ड रिसर्च है। कौन सी रिसर्च है? परचेज्ड। तो परचेज्ड रिसर्च क्या होती है? कैपिटलाइज। और इसके बाद आफ्टर दिस वी इनकर्ड, हमने खर्चा किया ₹15 ऑन रिसर्च एंड ₹20 ऑन डेवलपमेंट। आप बता दीजिए एंट्रीज। इनटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। और दूसरी एंट्री वहां अपनी वाली रिसर्च फिर उसी तरह होगी, बाद में पार्शली डेवलप था ना, पहले पार्शली डेवलप था, अब हम इसे मुकम्मल कर रहे हैं। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और आखिरी एंट्री इनटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। इस 20 को 100 में डाल के एक ही एंट्री कर दो, मेरे ख्याल से ये खरीदने के वक्त एंट्री ही होगी और ये फिर जब जब साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी तब एंट्रीज हुई होंगी, इसलिए अलग अलग कर दिए, इकट्ठी भी कर सकते हो। तो 20 को 100 में ही डाल दिया, 20 और 100 120 का इंटेंजिबल है। पहले एक लफ्ज लिख लें, परचेज्ड R&D इज एन इंटेंजिबल, पूरा आर भी इसमें, परचेज्ड R&D इज एन इंटेंजिबल। ओके, नाउ हाउ यू गाय हाउ यू? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं साथ वाले जैसा पैदा होता है। देखें कितना बड़ा शाहकार है वो, बहुत बड़ा हीरा है। वालिदैन का नाम रोशन कर रहा है यार। वो एक काम करो, जब क्लास खत्म होगी ना तो प्रिंसिपल साहब से कहना थोड़ा सा ना एक्सटेंड करा दें टेस्ट रूम, क्योंकि सबने टेस्ट देने हैं, तो फिर या इसी क्लास में फिर शुरू करवा दें। अगर वैसे तो उससे अगले हफ्ते करने शुरू थे, लेकिन हम इसी हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, ये जो अपकमिंग हफ्ता आ रहा है। तो आपका मंडे को टेस्ट होगा, ऑनलाइन में मैसेज करवा दिया था हमने आपका। हाँ परसों मंडे, परसों मंडे, परसों आपका टेस्ट होगा। तो ऐसे क्या कर रहे गाय यार। ओके अच्छा जी,
अब आप हजरात मुझे ये बता दें, जी इस मंडे को भी होगा, अगले मंडे को भी होगा, इसके बाद भी होगा। बस एक सूल याद रख लें, जब संडे आया करेगा आपके घर तो उससे अगले मंडे को, जिस हफ्ते आपके घर संडे आएगा, कल आपके घर संडे नहीं आने, सर सीए स्टूडेंट से, अच्छा वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, जो लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हम उनके लिए एक्सटर्नल लोग हैं, हम उनके लिए एक्सटर्नल लोग हैं। पहल वालों ने वेबसाइट बनाई हुई है, डॉलेंस वालों ने वेबसाइट बनाई हुई है, तो हम उनके लिए एक्सटर्नल लोग हैं, उनके अपने बंदे नहीं है हम, तो एक्सटर्नल लोग हम उनकी वेबसाइट को जाके क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, एक्सटर्नल एक्सेस। Solely for advertisement, for online sale, solely for advertisement, for online sale, okay। अब ये दोनों का मतलब आप मुझे खुद बताएं, मैं आपके सामने एक डायग्राम खोलने लगा हूं, तो इन दोनों का मतलब आपने खुद बताने। जी www.pepsi.com.pk/brands पेप्सी स्टिंग फीना फूना सीना सुना स्लाइस स्लाइस मरिंडा मरुंडा सेवन अप प्लेस चुरचुरे चीटोस। अच्छा तो अब बताएं, ये जो पेप्सी की हमने वेबसाइट खोली है तो हम एक्सटर्नल लोग हैं उनके लिए, तो क्या मैं एक्सटर्नल बंदा होते हुए मैंने एक्सेस कर ली है इनकी वेबसाइट, तो इसलिए ये वेबसाइट एक्सटर्नल एक्सेस के लिए हमें अवेलेबल है। क्या अगर आपका दिल चाहे रात को 2 बजे कि सहरी में पेप्सी पीनी है मैंने, तो क्या आप पेप्सी की वेबसाइट पर जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और पेप्सी वाले कहें आप इतनी बड़ी सरकार हैं, चलें एक बोतल आपकी खिदमत में हम फैक्ट्री से भिजवा रहे हैं ताजा फ्रेश खस्ती? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पेप्सी वालों ने वेबसाइट बनाई हुई है इसके साथ मैं क्या कहूं, इज इट सोली फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पजेज या ऑनलाइन सेल? सोली फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, 10-10 रुपए की चीजें इन्होंने वेबसाइट पर लगा के नहीं बेचनी, इट इज सोली फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। जिस तरह बाहर सड़क पर इश्तेहार लगा होता है उसी तरह इन्होंने वेब पेज बना के इस पर भी इश्तेहार लगा दिया, तो दिस वेबसाइट इज सोली फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। बट व्हाट अबाउट दिस, this is a parkwheels.com, so this is a bikeia 3.5 lakh, और ये हमारा मशहूर जमाना 95,000 रुपए। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये जो वेबसाइट है इज इट सोली फॉर प्रमोशन पर्पज या इट इज फॉर सेल? शो फोन नंबर, प्रेस करूं शो फोन नंबर, फोन नंबर खोल के देखा जा सकता है और कॉल की जा सकती है, हाँ भाईजन कहां कहां घुमाई तुमने? तो ये वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल बनी हुई है या फॉर एक्स क्या कहते हैं, ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर ऑनलाइन सेल? तो अब मुझे आप बता दें किस वेबसाइट को कैपिटलाइज किया करेंगे और किस वेबसाइट पे होने वाले खर्चे को एक्सपेंस में डाला करेंगे। स्टैंडर्ड ने शायद ये सोचा कि जो वेबसाइट ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज है दैट इज जस्ट लाइक अ सड़क पे लगा हुआ एड, सड़क पे लगे इश्तेहार की तरह ये वेबसाइट है, तो इसके सारा खर्चा क्या कर दो, एक्सपेंस आउट कर दो। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये तो सिर्फ मशहूरी चला रहे हैं आप, कुछ पंफलेट बांट के कर रहे हैं, कुछ सड़कों पे इश्तेहार लगा के कर रहे हैं, कुछ टीवी पे इश्तेहार लगा के कर रहे हैं, और कुछ अपनी वेबसाइट पे इश्तेहार चला रहे हैं। और अगर ऑनलाइन सेल हो रही हो, जैसे दराज की वेबसाइट है, जैसे पार्क व्हील्स की है,
जैसे डॉलेंस की वेबसाइट है, अब तो कोरोना के बाद से डॉलेंस की वेबसाइट पे भी ऑनलाइन सेल शुरू हो गई है, आप बस घर बैठ के ऑर्डर कर दें फ्रिज आपके कदमों में फॉर ऑनलाइन सेल, तो इसे आप कैपिटलाइज करेंगे। एक बात इंप्लाइड है कि अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रही हो, वो बात हर जगह इंप्लाइड है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं, अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रही हो। ओके अच्छा जी, कैन वेबसाइट बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल एक्सेस, कैन वेबसाइट बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल एक्सेस, इंटरनल एक्सेस के लिए वेबसाइट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्यों बिल्कुल बन सकती है, एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब एक होता है टीचिंग मटेरियल जो टीचर्स ने पढ़ना होता है, स्टूडेंट से शेयर नहीं करना होता क्योंकि उसमें हाई लेवल का काम होता है, तो वो टीचिंग मटेरियल जो जो टीचर पढ़ रहा है और साथ साथ अपलोड करता रहे, बाकी टीचर्स को इससे हेल्प होगी, तो वो चीजें स्टूडेंट को या एक्सटर्नल लोगों को अवेलेबल होंगी, या ऑर्गेनाइजेशन ने वो वेबसाइट इंटरनल एक्सेस के लिए बनाई है, क्या उसका यूआरएल या उस वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड आम लोगों को अवेलेबल होगा या एक रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स होगी? तो बजाय के उनको आप जो है फाइलों के अंदर चीजों को रखें और मैनुअल काम करें, तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने अंदर ही रहते हुए एक वेबसाइट अपने एम्प्लॉयज के लिए बना देती हैं, उसमें एम्प्लॉयज को कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चल रही होती है सारी, और नए एम्प्लॉयज आते हैं उनको पुरानों का तजर्बा पता होता है जहां से वो ट्रेन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये वेबसाइट भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है इसको भी आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, इंटरनल एक्सेस के लिए आपने वेबसाइट बनाई। तो इसका कोई यूआरएल खोल के मैं आपको भी दिखा नहीं सकता क्योंकि ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल अपने लिए बनाई हुई है, तो हम किसी की वेबसाइट पर नहीं जा सकते। तो इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट जो है वो कैपिटलाइज होगी। ओके पेज नंबर बुक में बता दें, यहां तक नोट कर लिया। हाँ लेक्चर्स, इनटेंजिबल एसेट्स, वेबसाइट कॉस्ट्स, पेज कौन बता रहा है? 216 पहले जमाने में आते थे IAS, आजकल आते हैं IFRS। अगर IAS में कोई चीज समझ नहीं आती थी तो पहले जमाने में आता था SIC, और आज के जमाने में आता है IFRIC। कौन सा IFRIC पढ़ा हुआ है फेयर वन में? कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, यानी स्टैंडर्ड वालों की इंटरप्रिटेशन कमेटी, और इसका नाम बदल गया, एस को जरा ज्यादा कर दिया हैवी लेवल का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आगे खाला जी वही है इंटरप्रिटेशन कमेटी IC, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो ये एक SIC है क्योंकि IAS 38 में गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी वेबसाइट कॉस्ट्स की, तो फिर SIC 32 लॉन्च किया गया जिसमें IAS 38 की कॉन्टिन्यूएशन के अंदर एक वेबसाइट कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन दी गई। ओके द एंटिटी मे इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट। अच्छा हां, ये वेबसाइट्स इंटरनली जनरेटेड है, अगर आप परचेज करेंगे वो तो कैपिटलाइज हो जाएगी, ये इंटरनली जनरेटेड है। तो आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट की इंटरनल जनरेशन में रिसर्च फेज किसे कहते हैं और डेवलपमेंट फेज किसे कहते हैं। जो हज़रात का पहला दिन है या जो भी है, तो आज हम चीजें पढ़ेंगे, पिछले से कोई खास ताल्लुक नहीं इनका, वैसे भी 2-3 दिन में तो अगला टॉपिक शुरू हो जाए, IAS 41 शुरू हो जाएगा, मज्जें गायें
सैंपल बेस पे एक लेके आएंगे वैसे क्लास में, तो पिछले दरवाजे से अगर लाएं तो मसला तो नहीं होगा, बकराक तो पकड़ के ले आएंगे, कौन कौन बात ठीक है उसके ऊपर लिखेंगे हम सारे मार्कर से, बायोलॉजिकल एसेट पेंट से लिख देंगे ना, वो भी डिस्टर्ब ना हो। ओके, एन एंटिटी मे इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट जी एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स क्रिस्की इफ्तार, याद होगी, एन एंटिटी मे इनकर एक्सपेंडिचर, एक एंटिटी खर्चा कर सकती है ऑन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन वेबसाइट। डेवलपमेंट और ऑपरेशन में क्या फर्क है? डेवलपमेंट मींस बनाना, ऑपरेशंस मींस बाद में उसको चलाना। वेबसाइट्स कितने किस्म की हैं? दो, एक किसके लिए? एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, और एक स्टोर कंपनी पॉलिसी, स्टोर कस्टमर डिटेल्स एंड सर्च रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल एक्सेस के लिए टू प्रोमोट एंड एडवर्टाइज ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पेप्सी वेबसाइट। प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ये जो ऑनलाइन सर्विसेज लोग देते हैं घर बैठ के, प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द्रास टीसीएस, ये इन दोनों को कैपिटलाइज किया जाता है। और ये जो टू प्रोमोट एंड एडवर्टाइज को क्या किया जाता है? एक्सपेंस, और इसको भी कैपिटलाइज। ये सारे डायग्राम उधर भी बनी हुई है। ओके, इश्यूज क्या हैं? द इश्यूज आर वेदर द वेबसाइट इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, क्या ये एसेट है कि नहीं, और अगर है तो फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके खर्चे के ऊपर क्या करना है। एन एंटिटीज ओन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट डेट अराइजेस फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इज फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल डेट इज सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 38, जिसपे IS 38 लगता है। If a website is solely developed for promoting and advertising its own products and services, then an entity will not be able to demonstrate how it will generate future economic benefit. So, advertisement लगा देने से confirm नहीं होता कितने customer आ जाएंगे. Therefore, all expenditure on developing such a website should be recognized as an expense. इसलिए जो solely advertisement purpose के लिए website बनी हुई है, उसकी designing के ऊपर website पे जितना खर्चा आया, उस सारे को क्या किया जाएगा? Expense किया जाएगा. The nature of each activity for which expenditure is incurred and the website stage of development or post development shall be evaluated to determine appropriate accounting treatment. ये इस लाइन का कोई फायदा नहीं, अभी आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा। एक एंटिटी की अपनी बनाई हुई वेबसाइट इनटेंजिबल होती है अगर फ्यूचर में बेनिफिट दे और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये तो IS 16 में भी आपने पढ़ा था, ये तो तकरीबन हर स्टैंडर्ड में लिखा होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके। यूजफुल लाइफ आपने वेबसाइट की कम से कम लेनी है, 2 साल ले लें, 5 साल ले लें, 6 साल ले लें, क्योंकि वेबसाइट्स लोग बड़ी जल्दी बदल लेते हैं। IKEA की वेबसाइट आपको पता है, एक पुरानी होती थी, अब नई होती है, पुरानी का थोड़ा इंटरफेस काफी डिफरेंस था, तो अब जरा इंटरफेस काफी डिफरेंट हो गया उसका। तो बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेबसाइट यूजफुल लाइफ शुड बी शॉर्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से तेजी से चेंज हो रही है कि नई प्रोग्रामिंग, नई कोडिंग में ज्यादा अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास हो जाती हैं। तो कहते हैं मेरी नजर में वेबसाइट की लाइफ इनडेफिनेट ना लेना, शॉर्ट से शॉर्ट लेना जितनी भी हो सके। बहरहाल हमें क्या टेंशन है, हमें तो पेपर में गिवन होगी लाइफ, जो भी होगी उसको यूज कर लेंगे। ओके, अब ये डब्बा शब्बा सारा स्टैंडर्ड के पार्ट बी में निकाल लें, स्टैंडर्ड का पार्ट बी निकालें। SSC 32 ढूंढें जल्दी। वो शहजादा ढूंढ के दें जो पार्ट बी की बजाय पार्ट ए ले आया। जल्दी हेल्प करें, ऑनलाइन वाले भी किसी से पूछें घर में जा, और किसी से पूछें दोस्त चाच से। किसमें नहीं है? पार्ट बी में। इसको ढूंढ के दो एंड के ऊपर SSC 32। वाओ क्या होता है?
मिल गया जगह पे लिखा। अच्छा यानी स्टैंडर्ड बनाने वाले ने कोई गलती की है? यस सर, इसी गलती है लास्ट में कुल की। जिसको एसएससी 32 नहीं मिल रहा हाथ खड़ा कर दे। स्टैंडर्ड्स आ गए हैं और एसएससी 32 नहीं मिल रहा। इसमें वो डायग्राम सी बनी हुई है जो मैंने कही है, डब्बा बना हुआ, डब्बा सा। अच्छा जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना थोड़ा सा इज्जत देते हैं हम उन लोगों को, जो इज्जत से मुराद प्रॉपर इज्जत, जो लोग किताब नहीं लेके आए स्टैंडर्ड। आप जरा खोल के इसको रख लें साइड पे, फिर स्टैंडर्ड से मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले जरा बुक से दिखा दूँ, पेज 217। और बुक में थोड़ी सी मैंने जरा तफसील भी दी हुई है जो स्टैंडर्ड ने नहीं दी हुई। बुक का पेज 217, रिसर्च फेज को प्लानिंग फेज का नाम दिया जाएगा वाइल क्रिएशन ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के लिए रिसर्च का लफ्ज यूज नहीं होगा, किसका लफ्ज यूज होगा? प्लानिंग, पहला लफ्ज ये हो गया, पहली बात। दूसरी बात, वेबसाइट में जो डेवलपमेंट फेज होगी उसको एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, ग्राफिक्स चल रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट पे अक्सर अंग्रेजी भी लिखी होती है मुख्तलिफ चीजों के बारे में, कॉन्टेंट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में कितनी चीजें आ गई, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, कॉन्टेंट डेवलपमेंट। कुछ याद नहीं करना, सब लिखा होगा। ये डेवलपमेंट के तीन नाम इधर हैं और रिसर्च का एक नाम है, डेट इज प्लानिंग। फिर जब रिसर्च भी होगी डेवलपमेंट भी होगी, अब बाहर के लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो अब तो वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, सिर्फ ऑपरेशन अब तो ऑपरेट हो रही है। अच्छा लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग में क्या होगा, फिजिबिलिटी स्टडी बनेगी। पेपर में ये होता है कि फिजिबिलिटी स्टडी का खर्चा दे देते हैं, ये वाला खर्चा दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं, और पूछ लेते हैं कौन सा कैपिटलाइज करना है, कौन सा एक्सपेंस करना है। तो रिसर्च को हम एक्सपेंस कर दिया करेंगे, और डेवलपमेंट अगर क्राइटेरिया मीट करी हुई तो कैपिटलाइज कर दिया करेंगे, बात तो वही है। अब इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ लें, ये याद नहीं करनी है अब आपने, और ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं बीच में, ये स्टैंडर्ड में दी होंगी, बस वो खोल के देख लेनी है आपने। फिजिबिलिटी स्टडी, ये रिसर्च की एग्जाम्पल्स हैं, वो पुरानी वाली या वेबसाइट से रिलेटेड? पहले भी हमने पढ़ी थी रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जाम्पल, लेकिन उनमें ये लाइनें नहीं थी। फिजिबिलिटी स्टडी, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, डिफाइनिंग या बाइंग, बाय हार्डवेयर करना तो आइए 16 हो जाएगा। क्या क्या हार्ड, क्या उस वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा हार्डवेयर बेहतर रहेगा, मशीन कितनी स्ट्रांग हो, पुराने जमाने की मशीन ली हो, वो बेचारी खुद ही बैठी हो मशीन। तो डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, बाहर के सप्लायर्स कितने का हार्डवेयर दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कितने का हार्डवेयर दे रहे हैं, इसको जरा चेक कर लो। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, और अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लो कि आपको वेबसाइट में किस किस चीज को प्रेफर्ड रखना है। जब ये फेज खत्म हो जाए तो इट मींस इट्स ओवर नाउ, अब रिसर्च खत्म हो गई है, अब वेबसाइट की क्या शुरू हो गई है, डेवलपमेंट शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले अब आप डोमेन नेम बाय कर लें, www.pepsi.com डोमेन नेम आप बाय कर लें, अगर अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो, और किसी ने यूज नहीं किया हुआ तो डोमेन नेम बाय कर लें। इसके बाद आपने डेवलप करना है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर थोड़ी सी अलग डिस्कशन है, ये मैं बाद में करता हूं। आपने डेवलप करना है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसके बाद आपने वेबसाइट के लिए डेवलप करना है कोड, क्या डेवलप करना है, कोड फॉर एप्लीकेशन, यानी कौन सी एप्लीकेशन, C, C++, पता नहीं कौन कौन सी कोडिंग की लैंग्वेजेस यूज हो रही है, वो आपने कोड डेवलप करना है इसका। इसके बाद आपने कोड डेवलप करने के बाद इंस्टॉल कर देनी है डेवलप्ड एप्लीकेशंस ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर हमारे पास आम तौर पे नहीं पड़ा होता, वेब सर्वर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जहां हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस ऑन वेब सर्वर, खुद बाय भी कर सकते हैं सर्वर वैसे। स्ट्रेस टेस्टिंग, वेबसाइट पर स्ट्रेस डाल के देखा जाए, अगर 1000 यूजर एक टाइम में आ जाए तो कई दफा वेबसाइट बैठ जाती है,
जैसे आईकैप की रिजल्ट वाले दिन या मैट्रिक एफएससी की रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट बैठ जाती है, तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है वेबसाइट की, स्ट्रेस टेस्ट नेस्ट। ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का। कॉन्टेंट डेवलपमेंट, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, खुद इंग्लिश लिख दें, नहीं लिख सकते तो किसी अंग्रेज से पैसे देकर लिखवा लें। परचेजिंग इंफॉर्मेशन और प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप करने से पहले पहले, यानी डेवलपमेंट मुकम्मल होने से पहले पहले ये सारे काम भी कर लें। अब ये सारी चीजें, दीज विल बी कैपिटलाइज्ड। हाउएवर इफ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ आईएस 38 का लफ्ज आ जाए पेपर में कि इज नॉट मेट, अगर ये क्राइटेरिया वो मेट नहीं हो रहा तो फिर आप इसको किसमें डाल दें, एक्सपेंस में। तो बुरी वाली डेवलपमेंट एक्सपेंस में चली जाएगी और अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पेल की वेबसाइट के ऊपर जाएं, तो पेल की वेबसाइट के ऊपर, इफ यू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ पेल, पेल की वेबसाइट के ऊपर जाएं, डॉलेंस पे चले जाते हैं, डॉलेंस, ये एक्सटर्नल एक्सेस के लिए अवेलेबल है। मैं जब यूआरएल टाइप करा था आपको फील हो रहा था एक एक्सटर्नल बंदा एक्सेस कर रहा है, ये बताने से फील हुआ, बताने से फील हुआ। अच्छा, शॉप नाउ, अच्छा जी, ये जी डॉलेंस की वेबसाइट है, शॉप नाउ की ऑप्शन है, इसका मतलब है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है। यहां से क्या हो रही है, ऑनलाइन सेल भी हो रही है। तो आप बता दें ये जो वेबसाइट है, चुप, ये जो वेबसाइट है क्या ये वेबसाइट एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है? दूसरा सवाल, क्या ये वेबसाइट सोली फॉर एडवर्टाइजमेंट है या ऑनलाइन सेल के लिए है? तो इस वेबसाइट पे ये ग्राफिक डिजाइनिंग हुई हुई है पीछे सारी, ये सारा जो खर्चा हुआ है डेवलपमेंट का, ये क्या हुआ होगा, कैपिटलाइज हुआ होगा। लेकिन इस वेबसाइट पे भी जो फोटोग्राफर को इन तस्वीरों के खींचने के पैसे दिए, दैट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। बस बस इतना सा, ये जो तस्वीरें खिंचवाई फोटोग्राफर से और फोटोग्राफर को पेमेंट की, दैट विल बी एक्सपेंस आउट। बाकी इस वेबसाइट के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है, ये ऊपर आए, ये नीचे आए, बाकी सारा ये कॉन्टेंट डेवलपमेंट है, सारी कॉन्टेंट डेवलपमेंट, ये सारा कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें खिंचवाने के किसी को पैसे की बेच रहे हैं, तो ये जो तस्वीरें खिंचवाने के पैसे दिए जा रहे हैं, डेट इज, बोलें, बोले बोले बोले, डेट इज एक्सपेंस्ड आउट। ओके, क्या ये इसमें मैंगो डालते हैं, जग मटीरियल प्लास्टिक। ओके, ये लाइन पढ़े, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टाइजमेंट, तस्वीरें खींचने के जो पैसे थे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज इज फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फीस पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग द डिजिटल पिक्चर्स ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट्स। तो एक्सटर्नल एक्सेस की वो वेबसाइट जिससे ऑनलाइन सेल होती है, दो के उसकी कंटेंट डेवलपमेंट और ग्राफिकल डिजाइनिंग कैपिटलाइज होगी, बट फोटोग्राफर को दी गई पेमेंट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। नेक्स्ट, अगली कौन सी फेज है, ऑपरेशनल फेज है, ऑपरेशनल फेज। द ऑपरेटिंग स्टेज बिगिंस वेंस द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट हैज बीन कंप्लीटेड, जिसको उधर कहा जाता था कमर्शियली लॉन्च हो गया, अब ये लॉन्च हो गई है वेबसाइट, ऑपरेशनल है। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है, ये जो मैंने आपके सामने खोली भी है, ये डॉलेंस की कौन सी फेज चल रही है, ऑपरेशनल। पता नहीं कब की डेवलप हुई हुई है, कितने साल पुरानी डेवलप हुई हुई है, इस वक्त इनकी कौन सी फेज चल रही है, इस पे कोई खर्चा नहीं आ रहा होगा पिछले पांच साल से, आ रहा होगा, इसका मतलब है ऑपरेशनल फेज में भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। वो कौन सा है, वो कौन सा है? नहीं, वन बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये पीपी नहीं है, जरा तो अल्फाज जरा बदलना, अच्छे अच्छे बोल। अपडेटिंग ग्राफिक्स, ये रिपेयर है, अपडेटिंग ग्राफिक्स एंड रिवाइजिंग द कॉन्टेंट, एडिंग न्यू फंक्शंस, न्यू फीचर्स एंड न्यू कॉन्टेंट,
रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद द सर्च इंजन। गूगल वालों को आप पेमेंट करें कि जब लोग कोई भी ढूंढे एयर कंडीशनर लिखे तो सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आए। तो रजिस्टरिंग वेबसाइट विद द सर्च इंजन, गूगल इज अ सर्च इंजन। बैकिंग अप डेटा, डेटा बैकअप हो रहा है। और रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, पासवर्ड्स वगैरह इसको लगाए जा रहे हैं। पहले पासवर्ड नहीं लगाए हुए थे, आप चीजों का पासवर्ड भी लगा दिए। एनालाइजिंग द यूजेज ऑफ वेबसाइट, कुछ वेबसाइट शायद आपने कभी जिंदगी में देखी हो कि इधर लिखा हुआ आ रहा होता है इस वक्त इतने यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये भी अगर आपने इसके अंदर फंक्शन डालना है तो डेट ऑल इज कौन सी फेस चल रही है, एनालाइज कर रहे हैं आप यूजर्स को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रात को ज्यादा लोड पड़ता है वेबसाइट पे, दोपहर को पड़ता है, शाम को पड़ता है। दिस ऑल इज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, प्लानिंग को क्या करना है, एक्सपेंस आउट। इन तीनों को अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो, वरना, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो रहा है और कैपिटलाइज कर रहे हैं लेकिन स्टिल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो रही है, एक्सपेंस करेंगे। अच्छा जी, ऑपरेशनल फेज, ऑपरेशनल फेज को आपने एक्सपेंस करना है, वेन इनकर्ड। ऑपरेशनल फेज के भी सारे खर्चे क्या करने हैं, एक्सपेंस करने हैं। इसमें एक बड़ा डिफरेंट सी बात है, वो जरा गौर से समझनी है आपने। वो बड़े रेयर सर्कमस्टांस में होगी, दिस विल ओनली अकर इन रेयर सर्कमस्टांस। आपने वेबसाइट के ऊपर ऑपरेशनल फेज में ऐसी चेंज की जिससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जैसे कल बस के पीछे चार सीटें लगा दी थी आपने, वेबसाइट की ऑपरेशनल फेज में ऐसा खर्चा करना जिससे उस वेबसाइट से सेल हमारी दुगनी, डेढ़ गुना, चार गुना हो जाए, अगर आप क्लियरली डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि इससे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा, तो मेरे ख्याल से ग्राफिक्स बदलने से शायद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ना आए, चीजों की शेप बदलने, प्राइसेस इधर करने, ये इधर करने से खूबसूरती आ जाए, रेवेन्यू में इंक्रीज ना आए। लेकिन एक सिनेरियो हो सकता है, इन रेयर सर्कमस्टांस लॉ ने लिखा हुआ है, एक सिनेरियो हो सकता है कि पहले सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन थी कि जब डिलीवरी होगी आपने कैश देना है, अब हमने ऑनलाइन सिस्टम बैंक के साथ लिंक करवा दिया कि घर से लोग डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसकी वजह से बहुत से यूजर्स ने अच्छा कमेंट दिए कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, कैश हम घरों में रखते नहीं थे, अब हम आप ही की चीजें खरीदा करेंगे क्योंकि बाकी सप्लायर्स अभी ये सहूलत हमें नहीं दे रहे। तो अगर आप इस तरह डेमोन्स्ट्रेट कर सके ना कभी, लेकिन एग्जामिनर फिर वाजे तौर पर बताया गया कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो फिर उसको आप क्या कर देंगे उस, तो ये उसी तरह की चीज है जैसे 100 सीटें थी पहले बस के अंदर, आपने चार सीटें और लगा ली, उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन अगेन बार बार मैं कह रहा हूं, इट विल ओनली अकर इन एक्सपेंस वाज इनकर्ड अनलेस इट मीट्स द IS-38 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अगर सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर इतना हैवी है कि करोड़ रुपया पूरा इस सिस्टम के ऊपर लग गया बैंक के साथ लिंकिंग करवाने का और सब कुछ कराने का, और वो आपको पता भी है फ्यूचर में बेनिफिट देके जाएगा, फिर बेहतर है उसको एक्सपेंस में डालने की बजाय क्या करें। बट दिस विल ओनली हैपन इन रेयर सर्कमस्टांस। और इसमें ना पेपर में वाजे तौर पर बताएगा कि अब एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर? ओके, इसके बाद सेलिंग एडमिन के खर्चे हैं, जनरल ओवरहेड्स हैं बिजनेस के, उनको आप क्या कर देंगे, खुदा ना खास्ता कभी पेपर में वो लिख देना कि कोई खर्चे ओवरहेड्स इस टाइप के हैं डेट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, यानी डायरेक्टली एट्रीब्यूट को खर्चा उसके लिए किया, ऐसा खुदा ना खास्ता लफ्ज आ जाए, तो फिर आपने इन ओवरहेड्स को भी कैपिटलाइज कर देना है। कब कब कब, जल्दी बोले, जब डायरेक्टली एट्रीब्यूट का लफ्ज आ जाए, वरना एक्सपेंस आउट। इनएफिशियंसिस एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, वेबसाइट एफिशिएंटली काम नहीं करी, रोजाना बैठ जाती है, फिर और साइंसदानों को पैसे देने पड़ते हैं, कहते हैं ये इनएफिशिएंसीज को कवर करने के लिए जो पैसे हैं इसको भी एक्सपेंस में डालो। इनिशियल, ओ जागते रहना, इधर आंखें खोल के क्लास लेनी है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, शुरू के दिनों में वेबसाइट से आपने सेल की लेकिन डॉलर्स ने सेल की तो लॉसेज आना शुरू हो गए, इसको तो हमने पहले दिन ही पढ़ लिया था। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं चीजें बेच के जो लॉस आया, इस हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका एसेट की कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं। और मशहूर जमाना स्टाफ ट्रेनिंग तो हमेशा
कहां जाती है, छोड़ देना उसका कान, कितनी देर का पकड़ा हुआ तूने उसका कान। अच्छा, तो स्टाफ ट्रेनिंग विल गो टू एक्सपेंस। ओके, द लास्ट कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट, दैट इज ऑफ सर्वर। सर्वर, डू यू नो सर्वर बाजी? ओके, वेब सर्वर। वेब सर्वर वो जगह होती है जिसकी स्टोरेज आप समझ लें हम लोगों से, हम किसी से बाय करते हैं। ये वो जगह है जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और 24 घंटे बिजली की सप्लाई है। अब हमारे सिस्टम में जो भी वेब पेजेस बनते हैं वो वेब पेजेस इन वेब सर्वर्स पर स्टोर हो जाते हैं और डॉलेंस वाले सारे कंप्यूटर्स को शट डाउन करके घर चले जाते हैं। लेकिन कस्टमर रात को 2 बजे भी वेबसाइट खोलता है तो वेब सर्वर में ये डाटा अवेलेबल होता है, तो वेब सर्वर उसे डाटा अवेलेबल कर देता है। कैसे? इस तरीके से कि ये हैं पेल वाले, पेल वाले वेब पेजेस बना के चले गए, पेल वाले वेब पेजेस बना के चले गए। ये वेब पेजेस स्टोर हुए कहां पर? वेब सर्वर के अंदर। वेब सर्वर इज अ टेंजिबल आइटम, वेब सर्वर इज अ टेंजिबल आइटम। ये वेब सर्वर इट इज अ हार्डवेयर, वेब सर्वर में स्टोर हो गए। और ये कस्टमर रात को आया कुट खा के, तो कस्टमर जो है वो रात को आके क्लाउड्स खरीदना चाह रहा है, सोच रहा है कुछ। तो कस्टमर ने जो भी खरीदना है तो जरूरी नहीं कि इस वक्त पेल के कंप्यूटर्स ऑन होंगे तो काम चलेगा। पेल ने वेब सर्वर खरीदा हुआ है अगर पेल बहुत अमीर है, या फिर वेब सर्वर ऐसा भी हो सकता है कि आप खरीद ना सकें, आप बस उनको कुछ पैसे दे दें। तो वेब सर्वर पर डाटा स्टोर होता है, ये कंपनी और कस्टमर के दरमियान होते हैं वेब सर्वर। ओके, अब वेब सर्वर की कॉस्ट वो अक्सर देते हैं आईकैप, उसको बच्चे इनटेंजिबल में ही डाल देते हैं। हालांकि वेब सर्वर को आपने आईएएस 16 में डालना है। वेब सर्वर को कहां डालना है? और वेब सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी आपने किस में डालना है? आईएएस 16 में डालना है। वेब सर्वर का कौन सा सिस्टम वो भी कहां डालना है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये निकालें पेज 216 सिर्फ जितना मैं हाईलाइट करूंगा, सिर्फ जितना मैं हाईलाइट करूंगा। वेब सर्वर देखें जरा, समझ आया मेरा हाईलाइट किया हुआ? समझ आया क्या? SIC 32 डज नॉट अप्लाई टू वेब सर्वर बिकॉज इट इज अ हार्डवेयर, इट इज अ। चले जी, SIC 32 की एक्सेप्शंस पढ़े आप। SIC 32 डज नॉट अप्लाई टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग, आप परचेज भी कर सकते हैं वेब सर्वर, करोड़ों रुपए का आता है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है और आप बड़े बड़े साइंसदान हायर किए हुए हैं तो आप डेवलप कर लें वेब सर्वर, हार्डवेयर खुद बना लें अंदर। एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर, परचेजिंग डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर, ये सारा का सारा खर्चा SIC 32 इसको डील नहीं करता। वेब सर्वर भी होते हैं, इनको प्रोडक्शन सर्वर भी कहा जाता है, इनको स्टेजिंग सर्वर भी कहा जाता है। इंटरनेट कनेक्शंस अलग हैं, इंटरनेट कनेक्शंस की जो आप पेमेंट्स करते हैं आपको पता है वो नीचे आ रही हैं। इंटरनेट कनेक्शंस की पेमेंट क्या होती होंगी? एक्सपेंस में जाती होंगी या कैपिटलाइज होती होंगी? एक्सपेंस में जाती होंगी। इंटरनेट कनेक्शंस जो बाय की होते हैं उसकी तो पेमेंट्स एक्सपेंस में जाती हैं। अच्छा, लेकिन कोई अगर आपने इंटरनेट की डिवाइस ले ली है महंगी तो उधर आप IS 16 लगा सकते हैं। इंटरनेट की डिवाइस यहां लिख लें, इंटरनेट की डिवाइस आपने खरीदी है और वो आपकी 20-25 हजार में आई है तो उसको आप कैपिटलाइज कर दें, लेकिन इंटरनेट का जो बिल है हर महीने का उसे इन एनी केस आप क्या करेंगे? एक्सपेंस में डालेंगे। When an entity incurs expenditure on internet service provider hosting the entity's website, अगर इंटरनेट प्रोवाइडर हमारी वेबसाइट को होस्ट कर रहा है और हमारी वेबसाइट का डाटा डिसेमिनेट कर रहा है और उसमें हमें हेल्प कर रहा है तो दिस एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, तो इसको भी आपने एक्सपेंस में डाल देना। द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल
टू एन अदर एंटिटी। क्या मतलब? आपके लिए वेबसाइट इन्वेंटरी है, क्या यह पॉसिबल है? खुद यूज के लिए वेबसाइट नहीं बनाई डॉलेंस वालों ने, बल्कि एक सॉफ्ट, ये सॉफ्टवेयर हाउस के लिए लगेगा ना, सॉफ्टवेयर हाउस। सॉफ्टवेयर हाउस क्या करके देते हैं लोगों को? तो सॉफ्टवेयर हाउस के लिए जो वेबसाइट बनी हुई है, इज इट एन इन्वेंटरी और इज इट अ इनटेंजेबल? वो यूज करेंगे या सेल करेंगे? जैसे प्रॉपर्टी डीलर के लिए लैंड खरीद के रखी हुई है, तो लैंड इज इन्वेंटरी या लैंड इज पीपी? इन्वेंटरी। डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल टू एन अदर एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब बताएं। हमारा कारोबार ही ये है, आईएस 2 इन्वेंटरी को डील करता है और आईएफआरएस 15 हम पढ़ेंगे सेल को डील करता है, यानी इन्वेंटरी जब सेल हो तो उस वक्त क्या एंट्रीज होनी है। लीज का एक टॉपिक है, वो हमने 10-12 दिनों में शुरू करना है। तो अगर आपने कोई लीज पे ले लिया, किराए पे ले लिया वेबसाइट, तो फिर लीज का स्टैंडर्ड लगेगा, फिर ये वाला स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। अब ऐसा करें, 5 मिनट सिर्फ वो निकाल लें SIC 32 और वहां से इन चीजों को देख लें। अच्छा, मैंने किताब में कुछ चीजें आसान करके लिखी हुई थी, यहां पे थोड़ा सा आपने अब उनको देख लेना है। एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ SIC 32, ये आपके पास स्टैंडर्ड में अवेलेबल होगा। स्टेज या नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, कभी भी जिंदगी में कोई चीज हो ना, हेडिंग जरूर पढ़ा करें, स्टेज या नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। प्लानिंग रिवाइज कर लेते हैं ना, रिवाइज हो जाएंगी। प्लानिंग में क्या क्या आता था? अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड और सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, रिकॉग्नाइज एज एन वेन इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद पैरा, जो मर्जी हो वो छोड़ें, इनको एक्सपेंस में डाल दें। प्लानिंग के ऊपर मैंने रिसर्च लिखा हुआ था, क्योंकि वो रिसर्च जैसी थी, स्टैंडर्ड ने ये लस रिसर्च का यूज नहीं किया, हमने अपने समझने के लिए यूज किया था। अब डेवलपमेंट 3 है, एप्लीकेशन एंड ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट। किधर है छोटी वाली किताब? ओके, परचेजिंग हार्डवेयर, ये हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये इधर ही है सिर्फ। परचेजिंग और खुद बनाना ऑफ हार्डवेयर, अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 16। वाई हार्डवेयर के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 16। क्लियर? हार्डवेयर परचेज करना पड़ा, यानी वेबसाइट तो किसी मशीन पे ही बनाएंगे ना, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट एक क्या चीज होती है? एक आपके पास हार्डवेयर है, उसके अंदर विंडोज का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर आपके सामने पड़ा हुआ है, अब आपने इस पे अपनी क्या बनानी है? वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने से पहले जो आपने हार्डवेयर खरीदा है, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 16। और ये तो वो है जो हमने पढ़ ली है सारी। ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है, इसको मैं अभी नहीं कर रहा, इसको इंशाल्लाह मैं कल करूंगा, इसको मैं अभी रोक रहा हूं, इसको आपने पढ़ना भी नहीं अभी। ऑब्टेनिंग अ डेवलपिंग इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन द एंड स्ट्रेस रिकॉग्नाइज एज इन, और हमने देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, हमने बुक में क्या लिखा हुआ है, दीज विल बी, और स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है बोलें जल्दी। मैंने कहा था हमने चीजें आसान करके लिखी हुई है, जागते रहना, हमने चीजें आसान करके लिखी हुई है, हमने क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट विल बी कैपिटलाइज, इसने क्या लिखा हुआ है, अनलेस। अब बात उल्टी की ना, एकदम डरा दिया इसने, इसने तो कहा डेवलपमेंट को भी एक्सपेंस में डालो, तो जरा बुरे तरीके से इसने बात की है, पहले अच्छी बात इसे करनी चाहिए, बाद में बुरी बात, एकदम डरा के सब किस में डाल दो डेवलपमेंट को,
unless the expenditure can be directly attributable to preparing the website to operate in the manner intended by management and the website meet the recording criteria. Recording criteria para 21 में ये है कि cost can be made liable or future benefit आए, और para 57 तो आपको याद है 6 criteria हैं IS 38 में, 6 criteria हैं. तो बड़ी भयानक चीज है, खुदा के लिए इस बात के ऊपर हाथ रख दें आप परेशान हो जाएंगे पेपर में. आपने अन्यवा इनको भी किसमें डाल देना है, एक्सपेंस में. बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस में नहीं डालना. हाँ, स्टैंडर्ड ने इस तरह बात की है, उसकी मर्जी, बाढ़ में जाए. बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस में नहीं डालना. बाय डिफॉल्ट हमेशा डेवलपमेंट को अच्छी वाली ज्यूम करना है, बुरी वाली, अच्छी वाली. तो इस तरह फिक्रा होना चाहिए था उसका. द एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, देन इट विल बी कैपी. However, it will be expensed if not meeting the criteria. क्या स्टैंडर्ड पे नहीं लिख नहीं सकते. ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, लेकिन आप ये तो कम से कम अंडरलाइन कर सकते हो ना, अनलेस, यानी ये चीजें होंगी तो कैपिटलाइज हो जाएगा. बहरहाल कॉन्सेप्ट आ गया, कोई मसला नहीं. डिजाइनिंग द अपीयरेंस लेआउट ऑफ वेब पेजेस रिकॉग्नाइज एज एन unless the expenditure can be directly attributable to preparing the website in the manner intended by management, jis tarah management ne socha tha, and the website meets the recording criteria. Aage kya hai? Ab ye standard aapke samne hona chahiye. Content development mein usne kafi tafseel de di hai. Creating, purchasing, preparing and uploading information, either textual, graphs in nature on the website. Before completion of examples of content include information about entity, हम कौन है, information about our products, हमारी products क्या हैं, information about our services offered for sale and topics that subscribers access. और कोई topic हम चीजों के बारे में बता सकते हैं, ये जो फलां चीज हमने launch की है, ये फलां मुल्क में फलां किताब हमने पढ़ी थी, उससे हमारे जहन में idea आया था कि ये चीज launch करें. इस किस्म की सारी information is called as content development. रिकॉग्नाइज एज एन जी वैसे इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद पैरा ब्ला 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 टू द एक्सटेंट दैट कंटेंट इज डेवलप्ड टू एडवर्टाइज एंड प्रोमोट एन एंटिटीज. एग्जांपल गिवन डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ अदरवाइज, अगर फोटोग्राफ्स नहीं है अदरवाइज रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस अनलेस द एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. और आगे सारी अंग्रेजी वही है. आखिरी फेज कौन सी बच गई, ऑपरेशनल फेज. इसमें क्या करना है, असेस वेदर इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल. कैश ऑन डिलीवरी के बाद डेबिट कार्ड की पेमेंट अलाउ कर दी, एंड द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इन विच केस द एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ. ये लफ्ज इसने क्यों लिखे, रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ वेबसाइट, क्योंकि ऑपरेशनल फेज का मतलब यह है कि आप तो कई अरसे से पहले की चला रहे हैं वेबसाइट, तो किताबों में ऑलरेडी क्या नजर आ रही होगी, कैरिंग अमाउंट. तो बताएं ऑपरेशनल फेज के खर्चे असूली तौर पे कहां जाने चाहिए, एक्सपेंस में. लेकिन इसने यहां नहीं लिखा कुछ ऐसा, इसने क्या लिखा है, असेस करो वेदर इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल. मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल का तो ये मतलब है ना, फिजिकल सब्सटेंस ना हो, नॉन मॉनिटरी हो और आइडेंटिफिएबल हो. तो वेदर इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एंड रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने और कॉस्ट कैन बी मेड लायबली. अगर ऐसा, इन विच केस द एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट, बट इफ इट इज नॉट सो देन इट विल बी. लेकिन हम अपनी आसानी के लिए किताब वाली बात याद रखेंगे, बाय डिफॉल्ट ये चीजें एक्सपेंस में जानी है. बट अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन वो फिर पेपर में कोई वाजे तौर पे चीज लिखी होगी. बाय डिफॉल्ट इनको हमेशा कहां डाला करना है, एक्सपेंस के अंदर डाला. चलें जी पास्ट पेपर का सवाल शुरू करें. कौन सा, सिक्स हो गया था, सेवन हो गया था. जिंक लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 9. जिंक लिमिटेड
नो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, ईयर एंड बताएं 31/12/18 उधर ही रखो। अच्छा जी, माइंड मैप क्या बना? पहले तो वो था प्लानिंग। प्लानिंग कहां जानी है? वो तो हर सूरत में एक्सपेंस में जानी है, नेवर कैपिटलाइज। डेवलपमेंट में तीन पता नहीं अल्फाज पड़े हैं, डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, बला बला, उनको कैपिटलाइज करना है अनलेस कि वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, और ऑपरेशनल फेज को बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्सपेंस में डालना है। और चौथा कॉन्सेप्ट, वेब सर्वर इज अ हार्डवेयर, और वेब सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्डवेयर। तो असल में वेबसाइट की फिर कॉस्ट है क्या? वेबसाइट की कॉस्ट है जो आप प्रोग्रामर्स को उनकी सैलरीज दे रहे हैं, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, ग्राफिकल डिजाइनिंग के लिए, अपलोड करने के लिए इंफॉर्मेशन, वो जो साइंसदानों को तनख्वाह दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज। हां, इन रेयर सर्कमस्टांस आप ये कह सकते हैं कि कोई हार्डवेयर स्पेसिफिकली यूज हो रहा है वेबसाइट के बनने के लिए, तो उस हार्डवेयर की उतने अरसे की डेप्रिसिएशन उस वेबसाइट की कॉस्ट में, ऐसी को बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा बात नहीं। ये सारी चीजें भी आएंगी। जिंक लिमिटेड, अ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसने तीन काम किए हैं, बॉट एन इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉन्च इट्स न्यू फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, और ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस। तीन इंटेंजिबल हैं, एक लाइसेंस है, एक वेबसाइट है, और एक, अब मुझे बता दें कौन सा काम आज वाला है, कौन से पुराने हैं। पॉइंट वन पुराना है, पॉइंट टू, इनमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे हम कि डोमेन नेम कहां था, स्ट्रेस टेस्टिंग कहां था, डिजाइनिंग कहां था। ये सारे नाम पड़े पड़े हैं, याद तो नहीं करने ना, स्टैंडर्ड खोल के बस देख लेंगे किसको कैपिटलाइज करना है और किसको एक्सपेंस आउट करना है। और इन द एंड ये लाइसेंस है, ये भी पुरानी चीज है। ओके, पॉइंट वन में मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं, आप मुझे एडिशन की अमाउंट बता दें, एडिशन कॉस्ट में ऐड कितना करना है। दो से तीन मिनट तसल्ली से लगाइएगा, आखिरी लाइन नहीं पढ़नी पॉइंट वन की, आखिरी लाइन का कोई फायदा नहीं। अभी आगे चले जाओ, किसी के पास बुक हो तो। हाँ ठीक है, रोको।